प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाज़िया अली खान, और आप सब नाज़िया को जानते हैं, सुनते भी रहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया, क्या जा पाई हैं। हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाह अलैह व बरकातहु। कैसी हैं आरजू जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो इलेक्शंस के ऊपर जरूर हम बात करेंगे, जाहिर है कि उस पर एक नजर रहनी चाहिए। पाकिस्तान की भी वैसे आजकल हमारे टीवी चैनल्स भी कवर कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन इलेक्शंस में क्या चल रहा है नाज़िया? इसलिए कि हम अगर अपोजिशन को देख लें या अपोजिशन पार्टीज को देख लें, तो फिर काफी नाराज नजर आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो उस तरह से नहीं आ पा रहे जैसे पहले स्ट्रांगली जीता करते थे। लेकिन हमने पहले भी आपके साथ इलेक्शन पे बात की थी, लेकिन अभी कौन सा थर्ड या फोर्थ फेज चल रहा है, क्या चल रहा है, और इलेक्शन में क्या 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 लग रहा है आपको इलेक्शंस में इस वक्त लोगों का मूड? देखिए, कहने वाले तो, और खास करके मुस्लिम मर्द तो मुझे भी प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं, तो क्या क्या किया जाए, मैं मान लूं उनकी बात को? कहने वाले तो ये भी हवा उड़ाते हैं कि मैंने जेल की हवा खाई हुई है, तो क्या करूं, मैं मान लूं इस बात को? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मैं दलाल हूं, तो क्या कहूं, क्या करूं, इस बातों को मान लूं? तो देखिए, कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों को ना मान करके जो ग्राउंड जीरो पर जो चीजें चल रही हैं और जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूं, उन चीजों को ही मैं मानूंगी और उन्ही चीजों को मैं बताऊंगी। देखने वाले जितने भी दर्शक है और व्यूअर्स है, और जो अभद्र टिप्पणियां करने वाले हैं कमेंट में, मैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि नाज़िया अली खान सिर्फ वेस्ट बंगाल की कंपेनिंग में नहीं है, बल्कि हैदराबाद, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बहुत सारे राज्यों की कंपेनिंग और बड़े बड़े नेताओं और लीडरों से लेकर के जो अभी नए नए उतरे हैं मैदान में और उनको नया नया टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी भी कंपेनिंग मैंने की है। और कंपेनिंग के द्वारा जो जनता का प्यार, जो प्रेम मुझे दिखाई दिया है, उससे ये बात साफ जाहिर होती है और साबित होती है कि जो होमवर्क, जो कर्तव्यों का पालन और जो भारत के प्रति जो इतनी सारी जिम्मेदारियों को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत आएगा, बहुत खूबसूरत आएगा। एक छोटी सी उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि जब जो बच्चा बड़ा हो जाए या हम बड़े हो जाते हैं, फिर भी अगर हम पढ़ते हैं और हमारा होमवर्क और स्टडी कंप्लीट होती है, तो एग्जाम से एक रात पहले हमें जाग करके पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें पता होता है कि हमने साल भर पढ़ा है और हमारा होमवर्क कंप्लीट है। तो उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी को पता है कि भारत के प्रति, भारत की उन्नति और सक्सेस के लिए जो काम और योजनाओं के तहत गरीब से लेकर के बड़े लोगों को जोड़ने का जो काम और उनको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाने का जो काम भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका परिणाम बहुत खूबसूरत आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस लेगेसी पाकिस्तान की मोहब्बत बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है, बड़ी जबरदस्त दिखाई दे रही है। मैं आपके साथ ही बैठी थी, बल्कि वो जिक्र मैंने एक नेशनल न्यूज पे भी किया कि नवाज शरीफ की पार्टी के डॉक्टर इरशाद बड़ा आरजू जी के साथ में बैठी थी, तो बड़ा राहुल गांधी का प्रचार कर रहे थे, मैंने ये रेफरेंस भी दिया नेशनल न्यूज पर। तो पाकिस्तान से एक मोहब्बत कांग्रेस को हमेशा से रही है। अब देखिए ना, डेस्परेशन फॉर पाकिस्तान लव, अब 2024 का मैनिफेस्टो जो कांग्रेस का आया, वो 1936 का पूरा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कॉपी कर दिया, जेरोक्स कर दिया, माथा ही नहीं लगाया मैनिफेस्टो पर कांग्रेस ने, पूरा मुस्लिम लीग को कॉपी कर दिया। अब उसके बाद फिर सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी ने पाकिस्तान को कहा कि भारत से ज्यादा सुरक्षित और भारत से ज्यादा सक्सेसफुल देश पाकिस्तान है। ये सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका में बड़े बड़े वकील हैं। अच्छा, दिग्विजय साहब जो बुढ़ापे में जवान लड़की से शादी करते हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान ज्यादा सेफेस्ट और ज्यादा तरक्की याफ्ता देश है।
अब देखिए रिसेंटली मनीष शंकर अय्यर ने कह दिया कि आपके पास एटमी ताकत है, अब आप उनको पता नहीं है, आपको पता है अर्जु जी के वो एटमी ताकत भी गिरवी में रखा हुआ है, कर्ज में रखा हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान का प्रचार हाफिज सईद साहब भी करते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगी, आपको सुना देती हूँ एक्चुअली। हाफिज सईद की तो कोई आपको पुरानी वीडियो मिली होगी, रिसेंटली तो कोई वीडियो नहीं है। बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूमत तुमने कर सकती है, जो तुम कर रहे हो पाकिस्तान की तरफ इल्जाम देखे तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। मगर नाजिया एक चीज और दिखाना चाहती हूँ जो कांग्रेस ही कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना दूंगी। देखिये मैं ये कह रही हूँ नाजिया, नहीं देखें एक बात मेरी सुने, मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, मैं आपसे समझना जरूर चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान की कोई तारीफ कर दे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो जो भी हो, तो ये बात इतनी बुरी क्यों समझी जाती है? मतलब पड़ोसी हैं और एक दूसरे की, पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत की तारीफ करते हैं, तो वो इलेक्शन के टाइम पर अगर तारीफ कर दी गई तो उसमें इतना ज्यादा वबाल क्यों है, इतना ज्यादा जो है वो माहौल खराब क्यों हो रहा है, ये बात इलेक्शंस में क्यों हो रही है? देखिए आरजू जी, अगर कोई वाकई में तारीफ के काबिल हो बेशक उसकी तारीफ करनी चाहिए, बेशक करनी चाहिए। अगर वाकई में कोई काबिले तारीफ है, अगर वाकई में किसी देश की शिक्षा बहुत अच्छी है, किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश का कानून बहुत अच्छा है, किसी देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बहुत अच्छा है, किसी देश के जजेस बहुत अच्छे हैं, किसी देश में हर एक धर्म के लोगों का मान सम्मान बहुत अच्छा है, किसी देश की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी देश की आर्मी बहुत अच्छी है, किसी देश का डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ करनी जरूरी है। और अगर हम उसकी तारीफ करते हैं तो हम अपने देश के युवाओं को बताना चाहते हैं कि देखो फलाना देश कितना अच्छा काम कर रहा है, हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा हमारा बगल का देश इतना अच्छा काम कर रहा है। आज बांग्लादेश की तारीफ हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश आपके आपसे निकला 1971 में और देखिए अभी कितना फल फूल रहा है। पाकिस्तान ने जिस अफगानिस्तान का मीम बनाया, मजाक उड़ाया, आज अफगानिस्तानियों को देखिए कहां पहुंच गए, टेक्नोलॉजी में कितनी दूर पहुंच गए। आपका पाकिस्तान दुपट्टे से इस्लाम शुरू हो रहा है, दुपट्टे से इस्लाम खत्म हो रहा है, लेकिन अरब देखिए वहां पर मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में जा रही हैं लोग, लड़कियां, वहां पर रिफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो मसला इस बात का नहीं है कि तारीफ करना कोई बुरी बात है, लेकिन तारीफ के काबिल भी होना चाहिए। एक तरफ जहां हमारे देश के कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता मनीष शंकर अय्यर हुए, दिग्विजय सिंह जी हुए, सलमान खुर्शीद साहब हुए, ये लोग तारीफ पे तारीफ पाकिस्तान की कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि आपके पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को मौलाना साहब का दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ उठाया, एक ही दिन हम आजाद। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, तो अच्छी बात है ना, दिस इज गुड कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस किस्म की बात हो रही है। देखिए ये तो अच्छा है ना, मैंने आपको इसलिए ये चीज बताया कि आपके पार्लियामेंट में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स
पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की का रेफरेंस दे रहे हैं कि एक दिन एक समय एक वक्त पे दोनों देश आजाद हुए, लेकिन आज भारत इतनी तरक्की कर चुका है, दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो ये बात सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दिग्विजय साहब और सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा सेफेस्ट कंट्री है, ये तो झूठ है ना, ये तो झूठ है। तो झूठ क्या, झूठ को अफवाह बना करके अगर सलमान खुर्शीद साहब इतने बड़े वकील हो करके और दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता हो करके अगर झूठी बात बोल करके मुसलमान वोटर्स को अट्रैक्ट करने की एक टुच्ची हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान का मोहब्बत दिखा करके मुसलमानों से वोट लेने की टुच्ची हरकत कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमने कुछ दिन पहले देखा था कैसे नाजिया अली खान जी को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया अपना और कैसे नाजिया अली खान जी ने बड़े दमदार और बेबाक तरीके से माधवी लता जी की हैदराबाद में कैंपेन की थी, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा था। अगर आप वो फोटोज देखना चाहते हैं तो आप जरूर जाके नाजिया अली खान जी का इंस्टाग्राम चेक करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आपने देखा कैसे नाजिया खान जी ने खुल के बात की कांग्रेस और पाकिस्तान के प्रेम के बारे में, और जैसे कि आरजू काजमी जी ने एक सवाल पूछा कि भारत में क्या तकलीफ हो जाती है अगर भारत से कोई मंत्री, खासकर कांग्रेस का कोई मंत्री पाकिस्तान की तारीफ करता है, तो मैं इसका जवाब आरजू काजमी जी को देना चाहूंगा। हमें पाकिस्तान से इसलिए प्रॉब्लम है, हमें इस बात से तकलीफ है कि कोई भारत का मंत्री पाकिस्तान की तारीफ इसलिए करता है क्योंकि पाकिस्तानी वो मुल्क है जिसने भारत को बार बार जख्म दिया है, जिसका मोटो यही है कि भारत को हजारों जख्म दिए जाएं, जो भारत की बर्बादी के सपने देखता है। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की बर्बादी चाहता है। अगर भारत का कोई मंत्री रशिया या इसराइल की तारीफ करेगा तो हम भारतीयों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कोई भी मंत्री अगर पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो सारे जख्म हरे हो जाते हैं जो इतने सालों में, इतने दशकों में पाकिस्तान ने हमें और हमारे जवानों को दिए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।